क्या लगता है मास्क एक बड़ी चीज़ हो सकती है कोरोना से बचने के लिए? एक पहला उपाय तो है ही है मास्क, सैनिटाइजर है, बाकी हम लोग अपनी यहाँ का एटमोसफेयर तो ठीक है ही है, बाकी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि सदन में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। नहीं, मास्क सबने लगा रखा है, फौरी तौर पर भले हटा लिया हो, लेकिन मास्क सबके पास है, मेरे पास भी है। अच्छा, और सुरक्षा के हाँ मास्क लगा लेते हैं, जब जहाँ एहतियात की जरूरत होती है वहाँ मास्क लगा लेते हैं। ठीक, धन्यवाद। मैं लखनऊ से, मेरा कार्यक्रम है, मेरा कार्यक्रम है, कार्यक्रम है। मास्क कितना प्रभावी है कोरोना संक्रमण से? अब मास्क प्रभावी तो है ही है, बहुत ज्यादा प्रभावी है। अब ये है कि लोग लापरवाह हो गए, धीरे धीरे लापरवाह किया, अब कम भी हो गया, लेकिन इधर फिर बढ़ा, तो फिर उसके लिए सचेत किया जाएगा, फिर लोग लगाना शुरू करेंगे। नहीं, मास्क देखिए ऐसा है ना कि अभी तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, अब ऐसा कुछ है नहीं तो इसलिए उसके प्रति उतना सचेत नहीं आदमी, लेकिन अब उसको फिर नए सिरे सचेत किया जाएगा, फिर नए सिरे सचेत किया जाएगा, फिर लोग लगाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब पब्लिक के लेवल पे क्या एहतियात बरतनी चाहिए, किस तरह से? पब्लिक के एहतियात में यही है कि मास्क लगाएं, दो गज की दूरी रखें, और जो सामूहिक स्थान है वहाँ पर नहीं जाएं, सार्वजनिक स्थान पर थोड़ी दूरी बनाए रखें। लेकिन आज तमाम माननीय जो विधानसभा में आए थे उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। किसने लगा रखा? दिख रहा है ना, दूरी पर बैठे हुए हैं मान्य हमारे वो आए मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी मास्क लगा रखा, वो भी दूरी से बैठे हुए। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का काम उत्तर प्रदेश में भी तेजी से चल रहा है, लेकिन संक्रमण के मामलों में भी इजाफा लगातार होता जा रहा है, और इस समय जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में जो माननीयों के स्तर पर लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में ऐसे विधायक आज विधानसभा में आए जिन्होंने अपने चेहरों पर मास्क नहीं लगा रखा था। मैं सत्र में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, तो सुरक्षा कर्मियों ने अपने चेहरों पर मास्क लगा रखा है, और इनफैक्ट जितना भी स्टाफ है उनमें से ज़्यादातर लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जो माननीय विधायक यहाँ पर आए हुए हैं और मंत्री सरकार के हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हमें नज़र आए जिन्होंने अपने चेहरों पर मास्क नहीं लगाया था। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क को बेहद ज़रूरी बताया, लेकिन चेहरों पर मास्क नहीं लगाए थे, और जब उनसे पूछा गया तो बहुत स्पष्ट कोई जवाब नहीं दे सके। तो स्थिति ये है, जिन जो नीति नियंता हैं, जो सरकारी योजनाएं बनाते हैं, और ख़ासकर कोरोना संक्रमण काल में जब सबकी भूमिका देखने को मिली थी, तो ऐसे वक्त में चेहरों पर मास्क न होना तमाम सवाल खड़े करता है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ। ABP News, आपको रखे आगे।